हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ लाइन ए बी इज 75 mm लॉन्ग एंड इट इज 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी एंड बी पी रिस्पेक्टिवली, एंड ए इज 12 mm अबव द एच पी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ बी पी, ड्रॉ प्रोजेक्शन लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा एक लाइन है जिसका ट्रू लेंथ है 75 mm और वो लाइन 30 डिग्री टू एच पी के इंक्लाइंड है एंड 40 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन वी पी के इंक्लाइंड है। जो हमारा एक एंड है लाइन का वो 12 mm अबव द एच पी है और 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है। तो हमें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ड्रॉ करना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं फर्स्ट क्वाड्रेंट होता कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा क्वाड्रेंट पैटर्न है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट आप देखेंगे तो ये यहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी आप यहाँ से देखोगे तो आपको वर्टिकल प्लेन दिखेगा और जब भी आप टॉप से देखोगे तो आपको हॉरिजेंटल प्लेन मिलेगा। इट मींस जो हमारा एक्स वाई लाइन रहेगा इसके बिलो हमें एच पी ड्रॉ करना है और इसके अबव मुझे वी पी ड्रॉ करना है। इट मींस जब भी मैं फ्रंट से देखूंगा तो वी पी में ड्रॉ करूंगा और जब भी मैं टॉप से देखूंगा तो मैं एच पी में ड्रॉ करूंगा। तो मैं क्वेश्चन को अगेन रीड करता हूँ। अ लाइन ए बी इज 75 mm लॉन्ग एंड इट इज 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी एंड वी पी रिस्पेक्टिवली, एंड ए इज 12 mm अबव द एच पी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, ड्रॉ प्रोजेक्शन लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो हमें एक लाइन दिया है जिसका ट्रू लेंथ है 75 mm, वो लाइन एच पी से 12 mm अबव है और वी पी के इन फ्रंट में 10 mm पे है। जब भी मैं लाइन को फ्रंट व्यू से देखता हूँ तो लाइन मुझे 30 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी दिखता है और जब मैं इसको टॉप से देखता हूँ तो 40 डिग्री इंक्लाइन टू वी पी दिखता है। तो सबसे फर्स्ट हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका हम नेमिंग दे देंगे एक्स एंड वाई। ये हमारा हो गया एक्स वाई लाइन। अभी फ्रेंड्स मुझे बोला है कि जो लाइन का एक एंड है, फॉर एग्जाम्पल समझिए मेरा लाइन है, ये लाइन का जो एक एंड है 12 mm अबव द एच पी है और 10 mm इन फ्रंट ऑफ बी पी है। तो हम इसको एक्स वाई लाइन के अबव 10 mm का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स वाई लाइन के नीचे हम 10 mm का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये लाइन में 12 mm अबव द एच पी एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं और इसका नेमिंग कर देंगे हम ए डैश, और 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है तो हम 10 mm बिलो द एक्स वाई लाइन पॉइंट मार्क कर देंगे और इसका नाम दे देंगे ए। हम जब भी फ्रंट से देखेंगे तो जो भी हमें दिखता है वो हम हमेशा एक्स वाई लाइन के अबव ड्रॉ करते हैं और जो हम टॉप से देखते हैं तो जो भी हमें दिखेगा है वो हम एक्स वाई लाइन के नीचे ड्रॉ करते हैं। तो वही हमने किया बिकॉज जो हमारा लाइन है वो 12 mm अबव द एच पी है, वो हमें फ्रंट में दिखेगा, इसके लिए हमने उसको फ्रंट व्यू में ड्रॉ किया और फ्रंट व्यू हमेशा हम एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें वो इन फ्रंट ऑफ 10 mm दिखेगा, तो इसके लिए हम उसको टॉप व्यू में ड्रॉ करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हमारा 12 mm और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हमारा 10 mm। अभी मुझे क्वेश्चन में दिया है जो लाइन है वो 30 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी एंड 40 डिग्री इंक्लाइन टू वी पी है ए, और ए डैश से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा एक्स वाई लाइन के पैरेलल रहेगा। तो फ्रेंड्स अभी मुझे दिया है जो मेरा लाइन है वो 30 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी है एंड 40 डिग्री इंक्लाइन टू वी पी है। तो हम एच पी में 30 डिग्री पे 75 mm का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 30 डिग्री पे 75 mm का ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो मेरा एंडिंग पॉइंट है इसका नेम हमने दे दिया B1 डैश। सिमिलरली हम 40 डिग्री इंक्लाइन टू VP एक अनदर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 40 डिग्री और ये जो लाइन का लेंथ होगा ये हो जाएगा हमारा 75 mm और इसका नेमिंग हमने दे दिया B1। अभी हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे
ये जो मेरा B1 पॉइंट है और यहाँ पे हमारा B1 डैश पॉइंट है, यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, जिसको हम बोलते हैं लोकस। तो हमने दोनों जगह से लोकस ड्रॉ कर दिया है। इतना डिटेल मुझे न्यूमेरिकल में दिया हुआ था। अभी मुझे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन फ्रंट व्यू एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन टॉप व्यू ड्रॉ करना है। इतना सारा डिटेल मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट B1 है, यहाँ से हम एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये पॉइंट का नाम दे देंगे हम पॉइंट 1। अभी हम पॉइंट A डैश को एज अ सेंटर कंसिडर करेंगे और यहाँ से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस हम राउंडर में लेके यहाँ से एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे जो हमें लोकस पे कहीं ना कहीं कट करके देगा। ये मुझे ये पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट का नेमिंग हमने दे दिया B डैश। और अभी हम A डैश एंड B डैश को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑफ AB इन फ्रंट व्यू। सिमिलरली हम टॉप व्यू भी ड्रॉ करेंगे, तो हम पॉइंट B डैश से एक प्रोजेक्शन ले लेंगे जो हमें लोकस को कट करेगा। ये पॉइंट को हम नेम दे देंगे B और अगेन A एंड B को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन फ्रंट व्यू, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन टॉप व्यू। ये हमारा हो जाएगा ट्रू लेंथ।